हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट सुखबीर सिमी। आपने पंजाब में पटियाला के बारे में तो सुना होगा, जहां की पटियाला पैग फेमस है, पटियाला शाही सूट फेमस है और पटियाला के परांदे फेमस है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टार से मिलवा रही हूं जो है पटियाले दी क्वीन। जी हां, आज मेरे साथ है दिव्या चौकसी। वेलकम दिव्या। हाय, थैंक यू सो मच। तो दिव्या न्यू सॉन्ग लेकर आई है जिसका नाम है पटियाले दी क्वीन, तो उसी के बारे में दिव्या से जानते हैं। दिव्या, कौन है पटियाले दी क्वीन? वो सारी लड़कियां जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीती है, मेरी नजरों में वो पटियाले दी क्वीन है। जी बिल्कुल। तो हमने ये सॉन्ग सुना है, आपने बताया कि फेमिनिस्ट सॉन्ग है, और ये सॉन्ग सुन के मुझे लगता है कि आप किसी को करारा जवाब दे रही हैं, तो कौन है वो? बेसिकली मैं बादशाह को एक क्यूट तरीके से जवाब दे रही हूँ कि भाई यू नो लाइक ही, उनके गानों में आपने देखा होगा आती है और ना मैं जाती ऑडी में किसा कैन एवरीथिंग, तो उनको क्यूट तरीके से जवाब है कि अपनी कार को ऐसे ना प्लॉन कर, गड्डियाँ तो बड़ी बड़ी घर में ही देखी हैं, गाड़ियाँ तो बड़ी बड़ी बहुत घर में देखी हैं। एंड यो यो को सीधे तरीके से, बिकॉज यो यो का जो पहला गाना था इट वॉज वेरी डिरोगेटरी टुवर्ड्स वेमेन, एंड देन डोप शोप बन की तू रहेगी नशे की दुकान, चको 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 कुछ फ्रेश नहीं मिला, सो दोस लिरिक्स आई यूज टू फाइंड वेरी डिरोगेटरी टुवर्ड्स वेमेन, तो उनको एक जवाब दिया है। एंड ऑल्सो इट्स मोर ओवर पूरी सोसाइटी को एक जवाब है, बिकॉज ऑलवेज ये लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ है, लड़कियाँ अटेंशन सीख करती हैं, लड़कियों को घर से 7 बजे के बाद निकलने नहीं चाहिए, तो उस तरह की जो सोच है उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरे गाने में लाइन्स भी है, छोटी है मेरी ड्रेस, ऐसे नहीं, आपको गा के सुनाना पड़ेगा जी। ए लड़के तू क्लब विच आ करके बड़ा स्वाग वाग छिड़क के, समझना ना के मैं हूँ कुड़ी इजी तेरे जैसे, पापा से पैसे लेके मैनु ड्रिंक्स है ऑफर कर दे, चल लागे बड़ मैं तेरी बस फैंटेसी, कैसे कैसे गाने बनाए बस मेरी हील्स आईज और ड्रेस की बातें ही गाए, जजमेंटल नजरें तकते ही जाए, छोटी है मेरी ड्रेस फिर भी तेरी सोच से है बड़ी। वाह, दैट्स अ वेरी गुड मैसेज आई गेस, कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी की जो गर्ल्स हैं वो खुद पे डिपेंडेंट है और वाकई में सोच बदलने की ज़रूरत है, तो क्या आपने भी सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए ये सॉन्ग लिखा? सोसाइटी को बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए ये गाना लिखा है, बिकॉज बींग अ गर्ल मुझे भी बार बार यू नो समटाइम्स जब आप छोटे कपड़े पहनते हो या आप थोड़े से मॉडर्न ड्रेस करते हो तो लोग आपको उस टाइप की लड़की टैग कर देते हैं, तो ये बेसिकली सभी को जवाब है कि यार हम क्यों अपने रहने का तरीका बदलें या हमने ऐसा क्या कर दिया हर बार लड़की को ब्लेम करना, बिकॉज वो टू मच सुन के ना अभी कान पक गए हैं। स्टीरियोटाइप ब्रेक करने का टाइम आ गया है, और दिव्या जैसे और गर्ल्स हैं जो ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखती हैं और सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देती हैं, तो दिव्या ये सॉन्ग के लिरिक्स भी आपने लिखे हैं? मैंने और कंपोजर ने, दोनों ने मिलकर लिखे हैं, जो रैप था वो मैंने लिखा था पूरा। एंड स्टार्टिंग की जो लाइन्स है, हे बॉय यू गॉट लेट मी बी, आई डू माई मेकअप शेकअप नॉट फॉर यू दैट्स फॉर मी, सो बेसिकली इट्स वेरी क्वर्की, इट्स फन एंड या। इंस्पिरेशन दिव्या कहाँ से आई कि आपको सॉन्ग करना है? बिकॉज यू आर इन एक्टिंग, आपने मूवी करी है, सबको पता है, मूवी के बाद ये सॉन्ग आपने करना, और ऐसा सॉन्ग करना, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बेसिकली यार आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच इज़ वेरी फनी, विच इज़ क्यूट, एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग नाइस इन दैट। एंड आपको जवाब मेरे को देने का था, क्योंकि मैं ये गाने सुन के खुद डांस करती थी, हनी सिंह के उन गानों पर डांस करती थी, मुझे मीनिंग ही नहीं पता था, देन समबडी टोल्ड मी कि इसका ये मतलब ना, ओह माय गॉड आई नीड टू कुछ तो जवाब देना है, सो ये लड़कियों का जवाब है उसको, और लड़कियों का जवाब है सोसाइटी को, एंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर लविंग इट। मुझे बहुत सारे DMs भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, एट द सेम टाइम आई एम बीइंग ट्रोल्ड ऑल्सो, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है हनी सिंह के फैंस और वो सब, बट आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल। ओके, सो डज इट मेक एनी डिफरेंस कि हनी सिंह को आपने जवाब दिया है और आप म्यूजिक इंडस्ट्री में जा रही हैं, और हनी सिंह तो म्यूजिक इंडस्ट्री में लाइक की वेल नोन नेम है, तो कहीं डर लग रहा है थोड़ा? मेरे ख्याल से मैंने ना हनी सिंह को वापस न्यूज़ में ला दिया है अपने टाइम से, बिकॉज काफ़ी टाइम से वो गायब थे, अभी दिल चोरी साडा हो गया उससे थोड़ा दिखाई दिए, तो इट्स लाइक एवरीवन लाइक अच्छा हनी सिंह, सो आई थिंक ही शुड बी थैंकिंग मी। अच्छा दिव्या, एक बात बताइए, अब आप सिंगिंग में स्टेप इन कर गई हैं, हनी पहले से ही डेवलप्ड है, अगर हनी को आपका सॉन्ग अच्छा लगा और वो आपको ऑफर करते हैं कि दिव्या आई वांट टू डू अ सॉन्ग विद यू, व्हाट वुड बी योर आंसर? माई आंसर वुड बी लेट्स डू इट। So should we think it as a publicity stunt कि आपने इसलिए हनी सिंह को जवाब दिया? Actually people are just thinking कि ये सिर्फ हनी सिंह की बात है, like I said ये सिर्फ हनी सिंह का नहीं है, ये उससे बड़ा मुद्दा है, because हर छोटी है मेरी ड्रेस फिर भी तेरी सोच से है, but it's like to everyone, because बहुत सारे ministers के वाइट्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं जीन्स नहीं पहननी चाहिए, इनको मर्यादा में रहना, कॉलेज और स्कूल्स में, कॉलेज और स्कूल्स में भी अभी एक मिनिस्टर ने कहा था कि आई हैव स्टार्टेड टू फियर, अब लड़कियाँ भी बियर पीने लगी, तो वो सबको ही है कि लड़कियाँ क्या ज़िंदगी जीना छोड़ दें, तो इट्स बेसिकली ये हनी सिंह वाला सिर्फ एक था आंसर, एंड मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, यो यो को बोलो हमारी बैंड ना बजाएं,
आई डिड नॉट से एनीथिंग डिरोगेटरी और अब्यूजिव. सो माय सॉन्ग इज नॉट लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट फॉर श्योर, बिकॉज अगर वो पब्लिसिटी होता तो लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी और छोटे कपड़े पहनो और थोड़ी गालियाँ शालियाँ डालो, बट ये थोड़ा सा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैंने किया. डू यू फाइंड इट ओके गर्ल्स गोइंग टू द पब्स एंड बार्स एंड वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस एंड कमिंग लेट बैक टू द होम? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. आई मीन लड़कियों को भी अपनी इज्जत किसी और से ज़्यादा प्यारी है, आई एम श्योर. वो भी अपने आप को हैंडल करना जानती है, कैरी करना जानती हैं, तो उस तरह के उनको पता होता होगा कौन सी गाड़ी से वापस जाना है, कैसे उबर करना है. आई मीन जो सारी चीज़ें होती हैं वो भी देख समझ के चलती हैं, क्योंकि किसी और से ज़्यादा हमें अपनी सुरक्षा का सबसे ज़्यादा डर है, तो हम वो सोच समझ के ही करते हैं. वी ऑल्सो गो इन ग्रुप्स. इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ कि जाओ भैया दारू पियो. कहने का मतलब है कि हर बार जो ब्लेम आता है लड़कियों पे वो गलत है, क्योंकि आप गलत चीज़ कर रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो, एंड देन यू टेलिंग अस कि लड़की बाहर गई थी, वो चीज़ गलत है. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मैसेजफुल सॉन्ग है. और दिव्या, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जैसे आपने सिंगिंग में स्टेप इन तो कर लिया है, आगे कुछ और लाइनअप्स हैं आपके? ऑनेस्टली आई विल बी डूइंग अ वेब सीरीज नाउ, एंड इसके बाद एक शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ विच इज़ अगेन अबाउट वेमेन. थोड़ी फेमिनिस्ट टाइप की हूँ. सो वाई फेमिनिस्ट, कहाँ से इंस्पिरेशन ली? इसलिए बिकॉज यार अभी जो माहौल चल रहा है 21वीं सदी में हैं हम, उसके बाद भी तुम एक लड़की जिसने एक छोटे कपड़े पहने या नहीं भी पहने, मैं कह रही हूँ आपको क्या लगता है जो छोटे कपड़े पहनती है उनका ही रेप होता है सूट में? अरे मैं कह रही हूँ गाय भैंसों को नहीं छोड़ते तो आप उनकी तो बात ही छोड़ दो. कहने का मतलब है कि ये उस चीज़ से बड़ा है. एंड आए मुझे लगता है कि यार हर बार उस तरह का वेमेन को ब्लेम करना, और आप आई एम श्योर आप भी जब घर से बाहर निकलती होंगी लोग छेड़ते नहीं हैं, यू फील बैड. तो उसके लिए मैं फेमिनिस्ट हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि इस चीज़ में कुछ करना चाहिए ना. आई रियली फील बैड क्योंकि इतने ज़्यादा रेप का जो रेशो इंडिया में है वो जिस लेवल पे जा चुका है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना. योर वेब सीरीज इज ऑल अबाउट दिस थिंग ओनली? नो, माई शॉर्ट फिल्म. यस. आपकी वेब सीरीज किस बारे में? वेब सीरीज जिस बारे में है वो यू विल सून गेट टू नो. आई कैन नॉट टॉक सो मच अबाउट इट. कॉन्फिडेंशियल. यस. ओके, सो दिव्या, लास्ट मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स फ्रॉम योर साइड. आई विल जस्ट से दैट इफ यू सपोर्ट माय सॉन्ग पटियाली दी क्वीन, जिसको चार दिन में 2 मिलियन व्यूज मिले हैं, विच इज़ अ बिग डील. सो यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम, #, छोटी है मेरी ड्रेस फिर भी 300 से है बड़ी, यू कैन सेंड मी योर वीडियोज़ विच पीपल आर डूइंग. एंड रेस्ट, अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीती हैं और किसी की परवाह नहीं करती, तो आप मेरी नज़रों में पटियाली दी क्वीन हैं. जी बिल्कुल. तो ये खुलासा हो गया है कि पटियाला दी क्वीन कौन है. पटियाला दी क्वीन हर वो कुड़ी है जो दिव्या की तरह बिंदास अपनी लाइफ जीती और किसी की कोई परवाह नहीं करती. सो दिस वाज दिव्या चौकसी विद अस विद पटियाला दी क्वीन. आई होप कि आप सब लोग ये गाना जरूर पसंद कर रहे हैं. डू वॉच पटियाला दी क्वीन विद #, छोटी है मेरी ड्रेस. और दिव्या, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो.